नमस्कार। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के व्यवसाय पेंटर जनरल के विषय ट्रेड थ्योरी में अंकित पेंटिंग एंड इट्स टूल इक्विपमेंट के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हम पेंटिंग एंड इट्स टूल में पेंटिंग क्या होती है, पेंटिंग कितने प्रकार की होती है, कितने तरीके के ब्रश का इस्तेमाल किया जाता है, ब्रश का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, मेन काइंड्स ऑफ ब्रश कौन कौन से होते हैं, और पेंटिंग इक्विपमेंट्स प्रयोग में जो लाए जाते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। पेंटिंग पेंटिंग करने के लिए जो सबसे मुख्य औजार है वह ब्रश होता है। ब्रश के तीन पार्ट्स होते हैं, होल्डर, ग्रिप और ब्रिस्टल। ग्रिप जो होती है इसे हम फेरल भी कहते हैं, इसे चित्र के द्वारा दर्शाया गया है। होल्डर ये लकड़ी का बना हुआ जो हिस्सा है इसे हम होल्डर कहते हैं। इसे दो तरीके का ब्रश लेके समझाया गया है, एक ये फ्लैट ब्रश है और एक ये राउंड ब्रश है। इसको हम हैंडल बोलते हैं या होल्डर बोलते हैं। ये जो स्टील या आयरन का बना हुआ हिस्सा होता है इसे हम ग्रिप या फिर ब्रिस फेरल बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसके आगे हिस्से में बाल को जोड़ा जाता है कील के माध्यम से। ब्रिस्टल जो होता है ब्रश का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, इसी का प्रयोग मुख्यतः पेंटिंग में किया जाता है। ब्रश जो है वो कई प्रकार के इस्तेमाल के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कलात्मक पेंटिंग के लिए, साधारण पेंटिंग के लिए और विशाल पेंटिंग बनाने के लिए। कलात्मक पेंटिंग जो कैनवास पे बनाते हैं उसे बोलते हैं। कलात्मक पेंटिंग में अलग अलग प्रकार के ब्रशेस का इस्तेमाल किया जाता है, इनमें से कुछ आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। पहला है राउंड ब्रश, फ्लैट ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, ब्राइट ब्रश का इस्तेमाल किया जाता है, फिल्बर्ट का इस्तेमाल करते हैं, पैन ब्रश, एंगल ब्रश का इस्तेमाल करता है, ये जो एंगुलर कटा हुआ है, मॉप ब्रश का इस्तेमाल करते हैं कलर को फैलाने के लिए, ट्रिगर ब्रश का इस्तेमाल किया जाता है लाइन वगैरह बनाने के लिए या एजेस सुधारने के लिए। इसके अलावा हम फ्लैट ब्रशेस का भी इस्तेमाल करते हैं साज सज्जा में उपयुक्त तो हो रही कलात्मक पेंटिंग बनाने के लिए। साधारण पेंटिंग के लिए ज्यादातर बड़े आकार के ब्रश का प्रयोग किया जाता है। यह ब्रश आगे से चपटे आकार में होते हैं या इन्हें फ्लैट ब्रश भी बोलते हैं। इनकी लंबाई 7 से 10 इंच तक होती है और चौड़ाई आधा से 3 इंच होती है। इसका प्रयोग दरवाजे, खिड़की, दीवार, मशीन, साइन बोर्ड आदि की पेंटिंग के लिए किया जाता है। इसके अलावा हम ये फोम टाइप के ब्रशेस का भी इस्तेमाल करते हैं, जहां पर एकदम स्मूथ फिनिश चाहिए हो, समतल सतह बराबर करनी हो, हम फोम ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। स्टेंसिलिंग वगैरह में, वॉल पेंटिंग बनाने में आजकल इसका बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। विशाल पेंटिंग बनाने के लिए विशाल ब्रश, बड़े ब्रश का इस्तेमाल किया जाएगा। इनकी औसतन चौड़ाई 4 से 5 इंच होनी चाहिए। इसके अलावा रोलर का भी इस्तेमाल किया जाता है सतह पर पेंट, जिससे सतह पर पेंट आसानी से फैले और इवन लगे। ब्रश का सही तरीके से प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं, तो ब्रश प्रयोग करने से पहले हमें जिस प्रकार का कार्य करना हो, जिस सतह पर कार्य करना हो, उसी तरीके का ब्रश प्रयोग करना चाहिए। प्रयोग करने के बाद ब्रश को अच्छी तरह धोना चाहिए। दीवार पर यदि प्रिंट करते समय पेंट कर रहे हैं तो ब्रश को ऊपर से नीचे की तरफ ही चलाएं। ब्रश को कलम की तरह कभी भी नहीं पकड़ना चाहिए। वार्निश पेंट तथा एनामल पेंट से कि आपने अगर ब्रश से पेंटिंग कर रखी है तो उसे हमेशा तारपीन से तेल से धो देना चाहिए। बाद में साबुन या पानी से धुलकर उसे साफ कर कर रख लेना चाहिए, जिससे वो आगे लंबे समय तक इस्तेमाल हो सके और जल्दी इनके बाल खराब ना हो। स्पिरिट पॉलिश अगर आपने की के लिए ब्रश का इस्तेमाल किया है तो उसे अल्कोहल से धोना चाहिए। यदि लेड के लिए ब्रश का प्रयोग किया गया है तो उसे गैसोलीन से साफ कर देना चाहिए, जिससे ब्रश की लाइफ बनी रहती है।
सेबल ब्रश का प्रयोग लिखने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है, ये पॉइंटेड होता है और बहुत ज्यादा बाल होते हैं इसमें। यह एक जानवर है सेबल, उसके बालों से बना हुआ होता है। ब्रश मुख्यतः 10 प्रकार के होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। इनमें पहला है डिस्टेम्पर ब्रश, डस्टिंग ब्रश। डस्टिंग ब्रश जो होता है साफ सफाई के काम में आता है। सरफेस पर काम करने से पहले सफाई करने के लिए डस्टिंग ब्रश का उपयोग किया जाता है। 3 से 4.5 इंच तक चौड़ा होता है और 7.5 इंच तक लंबा होता है। इसके बाल ज्यादातर काले या भूरे रंग के होते हैं। इस्तेमाल करने के बाद साफ करके रखना चाहिए ताकि दोबारा इस्तेमाल करने पर यह सरफेस को गंदा ना करें। डिस्टेम्पर ब्रश मकान की दीवारों पर सफेदी कराने के लिए जब डिस्टेम्पर का प्रयोग किया जाता है तो उसके लिए खास प्रकार के ब्रश का इस्तेमाल होता है जिसे डिस्टेम्पर ब्रश कहते हैं। इसकी लंबाई 5 इंच से 6 इंच होती है तथा चौड़ाई 5 इंच से 7.5 इंच तक होती है। ब्रश से कार्य करने के बाद गर्म पानी से धोकर साबुन से साफ करके रखना चाहिए ताकि इसके बाल खराब ना हो और ज्यादा समय तक ब्रश कार्य करता रहे। ग्राउंड ब्रश जब बहुत बड़ी सरफेस पर रंग ना होता है तो इस ब्रश का प्रयोग किया जाता है। इसके बाल की चौड़ाई 3 इंच होती है। काम करने से पहले इसका 1/3 भाग को अच्छे से बांध लिया जाता है। फिर काम करने के पश्चात इसे साफ करने के लिए तारपीन के तेल में धोकर फिर उसे साबुन और पानी से अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए। नॉटिंग ब्रश का प्रयोग ज्यादातर लकड़ी के सरफेस पर पेंट करने के लिए किया जाता है। नॉटिंग मतलब गांठें होती हैं जो लकड़ी की सतह पर होती हैं। यदि आपके पास नॉटिंग ब्रश नहीं है तो सैश टूल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आप 4 या 5 नंबर के सैश टूल का भी प्रयोग कर सकते हैं। काम करने के पश्चात नॉटिंग की जो बॉटल होती है उसमें ही हम ब्रश को रखेंगे जिससे कि हवा ना लगे। हवा लगने से यह ब्रश जो है वो जल्दी खराब हो जाते हैं। सैबल हेयर ब्रश, सैबल हेयर ब्रश का प्रयोग साइन बोर्ड पेंटिंग डिजाइनिंग आदि में किया जाता है। ये सैबल नाम के जानवर की बालों से बना हुआ होता है। यह काले और बादामी रंग के बालों में पाए जाते हैं। इस ब्रश का प्रयोग तेल और पानी के रंगों पे काम करने के लिए किया जाता है। यह ब्रश का पॉइंट कुछ नुकीला और मोटा होता है और 0 नंबर ब्रश सबसे पतला, 0 से 12 नंबर तक ये आते हैं। 0 नंबर ब्रश सबसे पतला और 12 नंबर ब्रश सबसे मोटा होता है। यह ब्रश जल्दी खराब नहीं होते और बहुत लंबे समय तक चलते हैं। उपयोग करने के बाद इन्हें भी धुल देना चाहिए ताकि ये लंबे समय तक चले और खराब ना हो। स्टेंसिल ब्रश का इस्तेमाल जो है वो छापे के लिए किया जाता है। उसके लिए आपको स्टेंसिल का निर्माण करना होता है। स्टेंसिल का निर्माण आप टिन, कागज, गत्ता किसी पर भी कर सकते हैं। इसमें ब्रश के बालों की लंबाई जो होती है छोटी होती है और ये ब्रश बराबर की तरह कटे हुए होते हैं। ये ब्रश आपको किसी भी साइज में मार्केट में उपलब्ध हो जाएंगे। काम समाप्त करने के बाद ब्रश को तारपीन या मिट्टी के तेल से धोने के बाद साबुन और पानी से धोकर रखना चाहिए ताकि ये अच्छी तरह साफ हो जाएं और ब्रश के बाल आपस में ना चिपकें जिससे ये जल्दी खराब नहीं होंगे। वार्निश ब्रश जो होता है, फ्लैट ब्रश इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। ये फ्लैट ही होता है, आपको कई साइजेस में मिल जाएगा। अलग अलग हैंडल और फेरल्स होंगे इसके। इसके बाल बहुत ही नरम होते हैं। हार्ड ब्रश जो होते हैं इनके बाल काफी लंबे होते हैं। फेरल से बाल और जो बाल जुड़े जाते हैं वो भी काफी सख्त होते हैं। ये सुअर के बालों का बना हुआ होता है। इसका प्रयोग ऑयल पेंटिंग करते समय ज्यादातर मिक्सिंग वगैरह के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल अप्लाई शीट तथा कपड़े से बने बैनर की पेंटिंग करने के लिए किया जाता है क्योंकि ये कपड़े पे उपस्थित रेशों को जो है दबा देता है और कलर को उभारता है। लाइनिंग ब्रश जो होता है लाइन बनाने के काम में आते हैं। ये कई तरीके के होते हैं। मोटी लाइन लगाने में जिस ब्रश का इस्तेमाल किया जाता है वह सुअर के बालों का बना होता है और पतली लाइन के लिए जिन ब्रशों का इस्तेमाल करते हैं वह सेबल नामक जानवर की पूंछ के बालों से बने हुए होते हैं। इनका इस्तेमाल साइकिल्स पे लाइन बनाने के लिए, सर्कल्स बनाने के लिए, सजावट करने के लिए किया जाता है। इनके बाल करीब 1 से 1.5 इंच तक लंबे हो सकते हैं। सैश टूल का इस्तेमाल बहुत ही सिकुड़ी जगह जैसे लकड़ी के दरवाजे, कांच, चौखट के अंदर के हिस्से या सजावटी हिस्सों पर रंग करने के लिए किया जाता है। इनके बाल ज्यादा लंबाई से ज्यादा लंबे होते हैं। ब्रश का काम करने से पहले जगह को अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए। इसका प्रयोग बड़े बड़े अक्षरों को लिखने के लिए भी किया जाता है। शेव हुक का इस्तेमाल मोल्डिंग वगैरह को साफ करने के लिए किया जाता है या उसे तोड़ने के लिए भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के
चौकोर नुकीले कोने जैसी मोल्डिंग शेप हुक उस तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। ये कई शेप और साइजेस में आपको मिल जाएंगे। इनका जो ब्लेड है वो स्टील का बना हुआ होता है और हैंडल लकड़ी का बना हुआ होता है। प्लम लाइन जो है इसे प्लम बॉब भी कहते हैं। यह औजार दीवार बनाई गई दीवार को सीधी या टेढ़ी सरफेस जांचने के लिए किया जाता है। राजमिस्त्री इसकी सहायता से ऊंची ऊंची इमारतें बनाते हैं। एक सिरे पर डोरी बांधी जाती है और दूसरे सिरे पर एक वजनदार गोला ना बांधा जाता है। लोहा या ये जो गोला होता है ये लोहे या पत्थर का बना हुआ रहता है। दीवार का सीधापन या टेढ़ापन इससे मालूम हो जाता है। डायमंड ग्लेजियर का उपयोग ग्लास, जिसे ग्लास कटर भी कहते हैं, कांच काटने के काम में आता है। तीन तरीके के होते हैं, मोटे कांच काटने के लिए, पतला कांच काटने के लिए, या कांच को राउंड शेप में काटने के लिए। इसके सिरे पर हीरे की एक कड़ी लगी होती है जिससे कांच काटते हैं। तीन हिस्सों में इसकी बॉडी होती है, हैंडल, बॉडी और सॉकेट। हैंडल ये पकड़ने वाला हिस्सा होता है। बॉडी इसके आगे के पार्ट को बोलते हैं। सॉकेट का इस्तेमाल जो होता है कांच को फंसाकर शीट को तोड़ने के लिए किया जाता है ताकि हाथों में कांच ना लगे और सुविधापूर्वक काम हो सके। 4 फुट 2 4 फोल्ड 2 फुट रूल, इसे हिंदी में 2 फुटा कहते हैं। ये 6 इंच के 4 टुकड़े होते हैं। इसमें इंच और सेंटीमीटर में निशान लगे हुए होते हैं। ब्लो लैम्प का इस्तेमाल जो है लोहे या लकड़ी की सतह से पुराना पेंट या जंग उतारने के लिए किया जाता है। इससे जो आग निकलती है उससे सरफेस जो होती है वो गर्म हो जाती है, पेंट गीला हो जाता है और बाद में स्क्रैपर की मदद से इसे आसानी से निकाल लिया जाता है। ये यहाँ से लौ निकलती है, ये इसका हैंडल है, ये फ्यूल टैंक है। ठीक है, इसको नॉर्मल स्टोव की तरह जलाते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं। स्क्रैपर जो होता है कुछ ऐसा होता है, इसका जो ब्लेड है, ये जो ब्लेड होता है ये स्टील का बना हुआ होता है और इसका इस्तेमाल जो होता है पुराना पेंट वगैरह निकालने के लिए किया जाता है। अगर उसके निकालने के बाद भी अगर कुछ पेंट बन जाता है तो बाद में उसको एमरी या सैंड पेपर से साफ कर दिया जाता है। चिजल नाइफ का प्रयोग जो होता है हार्ड सरफेस की कटिंग या कार्विंग करने के लिए, उसे शेप देने के लिए किया जाता है। पैलेट नाइफ जो होते हैं औजार रंग निकालने के काम आता है। ये 2 हिस्सों से मिलकर बना होता है, ब्रेड हैंडल ब्लेड और ऊपर का सिला इसका गोल होता है। ये रंग को मिक्स करने के काम में भी आता है। स्टॉपिंग नाइफ का प्रयोग जो होता है लकड़ी या प्लास्टर की दीवारों में खड़े दरारों को बंद करने के लिए किया जाता है। इसका हैंडल आबनूस लकड़ी का बना हुआ होता है। यह ऊपर से सीधी या नुकीली होती है और इसकी धार जो है वो तिरछी कटी हुई होती है जो लेवलिंग का काम करती है। पुट्टी नाइफ ये डेंट या ऊंची दीवारों को लेवल करने के काम में आता है। फाइलिंग नाइफ जो होता है ये खुरजरी सतह के ऊपर फिलर का काम करता है और 1 से 6 इंच तक चौड़ा होता है। इसे आप आराम से जो है सतह को समतल कर सकते हैं और इसमें धार नहीं होती है। लैडर का इस्तेमाल जो है पेंटर को बहुत जरूरी होता है ऊंची दीवारों पर, छत पर पेंट करने के लिए या स्क्रैपर का इस्तेमाल करने के लिए लैडर की जरूरत होती है। ये एक प्रकार की सीढ़ी होती है जिसमें 2 बांस वर्टिकली लगे होते हैं और मध्य में हॉरिजॉन्टल तख्तियां लगी होती हैं जिन पर पेंटर खड़ा होके जो है अपने काम करता है। स्टेप स्कैफोल्डिंग जो होता है एक ऊंची जगह पर काम करने के लिए होता है। इसके उपयोग में यह आराम होता है कि इस पे एक प्लेटफॉर्म बना होता है जिसपे आराम से इंसान खड़ा होकर अपना सामान रखकर कार्य को कर सकता है। ट्रेस्टल जो होता है इसका प्रयोग छत के ऊपर डिजाइन बनाने के लिए, दीवार या हार्डबोर्ड पर पिक्चर बनाने के लिए, किसी वस्तु का प्रदर्शन करना हो तो हम इसकी सहायता से पेंटिंग के सामान को रखकर आसानी से बैठकर अपना कार्य कर सकते हैं। इसका प्रयोग ज्यादा ये डायग्राम में दिखाया गया है। बकेट बाल्टी का प्रयोग ज्यादा मात्रा में पेंट को इकट्ठा रखने के लिए ताकि आपके समय की बचत हो सके, पेंट को मिक्स करने के लिए किया जाता है। आज का यह अध्याय यही समाप्त होता है। आशा है कि आपको यह समझ में आया होगा।